अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग वंडरफुल वंडरफुल संडे। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मुझसे बार 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 कमेंट्स में लोग पूछते हैं, उसका मैं आई थिंक बहुत अरसे से पूछ रहे हैं, मैं टोटली इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि एनीवेज उसका मैं आंसर दूंगी। जो क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दो क्वेश्चन है लेकिन इनका आंसर एक ही है कि आपकी खुशी का राज क्या है और आपकी ब्यूटी का राज क्या है। मैं सच बताऊं तो मेरी खुशी और मेरी ब्यूटी का राज किसी प्रोडक्ट में नहीं है, किसी इवेंट में नहीं है, किसी इंसान के अंदर नहीं है, मेरे अंदर है। और इसका जो कोर है ना, जो इसका मेन पार्ट है, जिसने सबको होल्ड किया हुआ है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है जो कोई भी अपनाए तो वो मुझसे भी ज़्यादा खुश और मुझसे भी ज़्यादा ब्राइट लग सकता है। मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है? मेरा बिलीफ सिस्टम ये है कि कोई मुझे देखे और लाइक करे, इंडिपेंडेंट, मैंने खुद अपने आप को देख के लाइक कर लिया, बस। इसके अलावा अगर कोई मुझे देखे, मुझे कुछ बोले, अच्छी बात या बुरी बात, तो वो इररेलेवेंट है। हाँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सबके ओपिनियन की, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और लेकिन मेरा स्टेट ऑफ बीइंग यानी मेरी इमोशनल खुश हो जाना या एकदम डिप्रेस हो जाना, उन बातों पे बेस नहीं करता है। मतलब मैं उनकी ओपिनियन की आई डू रिगार्ड, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कोई भी अगर मुझे कोई अच्छी बात करता है, मैं उसको दुआ देती हूँ, मेरे दिल में उसकी इज्जत बढ़ती है, या अगर कोई अच्छी बात नहीं भी करता तो भी दुआ देती हूँ। लेकिन मैं उन ओपिनियंस के साथ साथ कि किसी ने अच्छा बोला तो खुश हो जाऊँ, किसी ने नहीं बोला तो उदास हो जाऊँ, तो मेरा जो ये इमोशनल है स्पाइक्स, ये फ्लक्चुएट नहीं करते लोगों की वजह से। मेरा परसेप्शन जो है ना, वो मेरे अंदर है, मेरे अपने पास है, और वो लोगों ने नहीं बनाया है, वो अल्लाह ने बनाया है, तो मैं उस पर खुश रहती हूँ। तो मुझे भी लोग कहते हैं इल्यूजन में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में ही रहना चाहिए, और जैसा गुमान करें ज़िंदगी वैसी होती है। तो मैं लोगों की वजह से कि लोगों ने ये कह दिया या लोगों ने ये नहीं कहा, कहना चाहिए था, तो जब तक आप इस स्टेट ऑफ बीइंग में रहेंगे, आप का बटन जो है ना वो लोगों के हाथ में होगा और वो आपको कंट्रोल करते रहेंगे। और आप कंट्रोल फ्री होना चाहते हैं तो अपना 100% कंट्रोल अपने पास रखें कि लोग कुछ कह दें या नहीं भी कहें, या आप चाह रहे हैं कि कह दें और नहीं कहें, सब से आपका कोई लेना देना, आप खुश हैं, आपने खुद को एक्सेप्ट किया है, दैट्स अमेजिंग, दैट्स फाइनल, और ये सबसे बड़ी बात है। और आपकी जो नेटवर्थ है ना, वो लोगों से नहीं आती है, वो डिवाइन सोर्स से आती है। तो ये मेरी खुशी का राज है और ये मेरी ब्राइटनेस का राज है, इसके पीछे और कोई चीज़ नहीं है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं, बट मेन चीज़ मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को। जंगल का सबसे बड़ा जानवर होता है हाथी, सबसे खूबसूरत जानवर होता है मोर, सबसे तेज जानवर होता है लोमड़ी, और सबसे फास्ट जो भागने वाला है वो चीता, और कौन सी क्वालिटीज, सबसे टॉल जानवर जो होता है वो जिराफ होता है, सबसे छोटा, इस तरह से आप देख लें। बट इन सारे जानवरों में से कोई भी जंगल का राजा नहीं होता है। जंगल का राजा या जंगल का बादशाह जो है ना, वो शेर होता है। शेर के पास इनमें से कोई क्वालिटी नहीं है, लाइक जितनी मैंने क्वालिटीज़ बताई वो सब इन्हीं जानवरों के अंदर हैं, शेर के पास नहीं है। बट शेर के पास एक चीज़ है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, शेर के पास उसका बिलीफ सिस्टम है, उसको लगता है कि वो बादशाह है, और वो जब किसी जानवर की तरफ बढ़ता है तो इसी माइंडसेट की तरह जाता है कि वो बादशाह है, और वो अटैकिंग मोड में जाता है। यही बिलीफ सिस्टम आपका जब स्ट्रांग होता है, और बिलीफ सिस्टम भी सही होना चाहिए, तो आप विन करते हैं, बस सिंपल चीज़ ये है। लाइक मेरा मानना यह है कि अदर पीपल्स परसेप्शन ऑफ यू इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। लाइक अगर लोगों को आपसे कोई मसला है ना, तो वो उनका मसला है, आपका मसला नहीं है। तो चिल करें, खुश रहें, खुश रखना है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को रखें और अल्लाह के बाद उसके बंदों को भी रखें। आपसे किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आपकी ज़ात से, फिर आप मस्त रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो बिलीफ सिस्टम ये होता है कि आप जैसा बिलीव सिस्टम बना लेते हैं, आपकी लाइफ वैसी ही बनती चली जाती है। मेरा बिलीव सिस्टम यही है कि अगर किसी को मुझसे मसला है तो वो उसका मसला है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, इसीलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बस यही चीज़ शेयर करनी थी, और यही खुशी का राज है। दूसरी चीज़ जो खुशी देती है वो ये कि ट्रस्ट, 100% ट्रस्ट,
और फेथ को अपने साथ रखना है, 100% ट्रस्ट, तो आप बहुत खुश रहते हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपना ट्रस्ट रखते हैं जो जो इस काबिल भी नहीं है जो आपको कुछ दे सकें, तो फिर वो आपसे खेलती हैं, फिर आप खुश नहीं रह पाते। तो यही मेरी खुशी का राज है। आई होप किसी को कुछ समझ आया हो, किसी को कुछ इसमें से मिल गया हो, अच्छा सा नगेट अपनी लाइफ के लिए, या कोई पार्ट मेरी कॉन्वर्जेशन का उसकी ऑक्सीजन बन गया हो, तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड। लव यू ऑल।